वेलकम टू द सिने शोज। तो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले दो मूवी एक ही वीडियो में, फर्स्ट टाइम, दोनों मलयालम सिनेमा की है। एक है मंजुमल बॉयज और दूसरी है 2018 वेयर एवरी वंस अ हीरो। तो दोनों ही सर्वाइवल फिल्म है, तो मैंने सोचा दोनों को ग्रुप कर दिया जाए। दोनों ही मैंने आजकल में देखी है, तो लेट्स रिव्यू इट। तो सबसे पहले बात करते हैं मंजुमल बॉयज की। तो मंजुमल बॉयज इसी साल रिलीज हुई है और ये थिएटर्स में लगी थी, बट हमारे एरिया पे नहीं लगी। पता नहीं क्यों अच्छी फिल्में रिलीज़ नहीं होती है। इट्स बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ इंसिडेंट, और एक मंजुमल गांव के कुछ एक ग्रुप होता है दोस्तों का, तो वो लोग प्लान करते हैं गुना केव्स जाने का। तो वो लोग उधर जाते हैं घूमने फिरने, बट वो ट्रेसपास करके गुना केव्स के को एक एरिया है, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे ट्रेसपास करके चले जाते हैं और वहाँ पे हो जाता है एक बहुत ही खतरनाक वाला हादसा उनके एक दोस्त के साथ। वो गिर जाता है एक खाई, बोल सकते हैं ज़मीन के अंदर, ये गुफा के अंदर, बहुत ही गहरी गुफा। और जब वो गिर जाता है तो कैसे उसके जो दोस्त जो उसके साथ है, कैसे वो सब लोग मिलकर अपने दोस्त की मदद करते हैं, तो उसी पे ये फिल्म बेस्ड है। तो पॉजिटिव की बात करूँ तो पॉजिटिव मैं फर्स्ट मैं ये बोलूँगा कि पहले पॉजिटिव है इसकी जो ये जो स्टोरी है, बहुत ही ब्यूटीफुली पोर्ट्रे की गई, इमोशंस, एक्टिंग एंड ऑल। सेकेंडली, जब वो जो बंदा गिरता है, वो जो दिखाया गया है, दैट इज़ रियली बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही रियली पेनफुल, और बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ग्रेट कैमरा वर्क, ग्रेट एक्टिंग, मतलब ऐसा लगता है भाई सही में गिर गया हो और हमें फीलिंग फील हो रहा है कि वो गिर गया है। बहुत ही दर्दनाक तरीके से वो दिखाया गया है। देन वो कैसे वो सारे दोस्त मिलते हैं, वो पुलिस कैसे इन्वॉल्व होती है, क्या कैसे वो पुलिस की मार वार भी खाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाया गया है वो। और बेस्ड ऑन रियल लाइफ इंसिडेंट है, तो बहुत ही थ्रिलिंग, एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस है। थिएटर में ज़्यादा मज़ा आता है, OTT पे तो आ गई है अभी हॉटस्टार पे हिंदी डब में, बट थिएटर में ज़्यादा मज़ा आता। सॉरी गाइस, मच्छर मार दिया मैंने। तो या थिएटर में अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग है, बहुत ही सस्पेंस ड्रामा वाली है एकदम। तो नेगेटिव देखो, नेगेटिव मैं बोलूँगा कि कभी कभी थोड़ी सी स्लो पेस्ड हो जाती है, बट एक्टिंग भाई, और फेमस एक्टर्स हैं इसमें, फेमस बोलते हैं दो चार चेहरे जान पहचान के। अगर आप साउथ की सिनेमा देखते हो, मलयालम सिनेमा देखते हो, तो आप वो एक्टर्स पहचान जाओगे, हाँ इस मूवी में देखा था, अरे हाँ लियो में देखा था। तो लियो वाले जो पुलिस वाले अपने थे, हवलदार, वो भी है इसमें, और उनकी भी एक्टिंग एज ऑलवेज बहुत ही प्यारी और क्यूट है। नेगेटिव्स में वही बोलूँगा कि थोड़ा सा लगता है कि स्ट्रेची है, बट नहीं, मज़ा बहुत देता है। बहुत सारे मतलब जो बैक स्टोरी दिखाई है वो बचपन की उनकी, वो भी बहुत ही हार्ट वार्मिंग है। एक बार उनके मतलब वो एंड में, वो देखो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि 30 मिनट्स में कि यार क्या मज़ा नहीं आ रहा, बट जब स्टोरी पेस लेती, जब दोस्त अपना, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में हिस्ट्री बनाते हैं, मतलब हिस्ट्री मतलब वो फैमिली एकदम कनेक्शन बताते हैं कि क्या कनेक्शंस हैं, थोड़ा स्टोरी पेस करते हैं, स्लो पेस्ड है, बट जब अच्छे से पेस लेती है तो भाई साहब आपको सीट से हिलने तक को भी आप एकदम बोलोगे यार अब सीट से उठ गया तो भाई मैं दिक्कत अब हो जाएगी, ख़त्म मामला। एक तो धड़कनें तेज़ हो जाती हैं जैसे ही वो मतलब, तो एक दो सीन में इतना बढ़िया स्लो मोशन कैप्चर किया गया है। एक बंदे ने खड़े खड़े एकदम कुछ नहीं बोलता, वो जो उसके अंदर का डर दिखाया है दोस्तों का, दैट वॉज सो ब्यूटिफुली कैप्चर्ड, सो ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड एंड एक्टेड। आई वॉज लाइक वाओ। अगर आप एक्टिंग, आपको जैसे फिल्में देखना बहुत पसंद है, आप एक सिनेफाइल हो, आपको एक्टिंग करना पसंद है, तो आप लेसन्स ले सकते हो ऐसे मूवीज से। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही प्यारी मूवी है। अब तो OTT पे भी आ गई है। आई वुड रिकमेंड यू टू डेफिनेटली वॉच इट वंस विथ योर फैमिली, बिकॉज देर इज नो न्यूडिटी, नो गाली गलौज। आप मैं इस फिल्म को दूंगा 4 stars out of 5। आप देख सकते हो अभी भी हॉटस्टार पे है, आ चुकी है हिंदी डब्ड में। सेकेंड फिल्म में जो अभी देखी है वो है 2018 वेयर एवरी वंस अ हीरो। ये भी एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है बेस्ड ऑन केरला फ्लड्स, जो कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट है। 2018 में केरला में जो फ्लड्स आए थे उसी के रिलेटेड। इसमें भी कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं, इस बार दोस्तों की कहानी नहीं है, इसमें कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे आपने अगर लूडो फिल्म देखी होगी तो ये कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सब एक दूसरे के पाथ क्रॉस करते हैं। सबसे पहले ये फ्लड्स आने से पहले धीरे धीरे एकदम पेस होती है कहानी, सबकी बैकड्रॉप बताई जाती है, सबको एस्टैब्लिश किया जाता है। इसमें ये फिल्म में ना हर एक कैरेक्टर को इतनी ब्यूटीफुली एस्टैब्लिश किया गया है, उसकी कहानी बताई गई है, आप कनेक्ट हो जाते हो। मतलब
जब आप ये मैंने मूवी देखना शुरू किया लाइक ओके ठीक है ठीक है, उसके बाद मैं हिल नहीं पाया। मैंने पूरी मूवी देखी, पूरी मूवी एक ही गो में, क्योंकि ये एक ऐसी मूवी होती है आप फ़ोन नहीं छुपाओगे ऐसी मूवीज़ में, फ़ोन मैसेजेस कॉल्स कुछ नहीं, खाना भी ऐसे देखते देखते खाओगे, ऐसी मूवीज़ होती हैं। और अगर आधी देख के सो जाओ तो रात को नींद नहीं आती जब तक तो आप पूरी देख ना देख लो। तो वैसी फिल्म है, पॉजिटिव में बोलूँगा देखो इसका कैमरा वर्क बहुत ही तोड़ है, ड्रोन शॉट्स जो दिखाए गए, विजुअल्स, जो फ्लड सीन्स दिखाए गए, जो जो रेस्क्यूज दिखाए गए हैं, जिस तरीके से कैरेक्टर बिल्डअप दिखाया गया है, कैरेक्टर्स को दिखाया गया है, कैरेक्टर्स की एक्टिंग दिखाई गई है, जो पानी के अंदर जो शॉट लिया गया है, कैसा डर थ्रिल, ऐसा लगता है कि यार अब खत्म खत्म मामला गया खत्म, एकदम जो सर्वाइवल दिखाया गया है, रेस्क्यू मिशन दिखाए गए हैं, दैट वाज सो सो ब्यूटीफुल कैरेक्टर बिल्डअप। एक ट्रक ड्राइवर होता है, उसका जो बिल्डअप दिखाया गया है जैसा वो उसको मूवी के स्टार्ट और एंड में दिखाया गया, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। और जब वो सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे के पाथ क्रॉस करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, इस मूवी का नाम में ही है वेयर एवरी वन अ हीरो। इस मूवी में हर कोई हीरो है, हर कोई हीरो है, नो विलन, एवरी वन अ हीरो, फ्रॉम फिशरमैन्स टू विलेजर्स, हर कोई एक हीरो है। और बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से दिखाया गया फ्लड्स को, मैं बोलूँगा अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू द अनसंग हीरोज। ऐसे हीरोज को कोई जानता भी नहीं है, बट ऐसी फिल्म में अगर हिडन जेम, मैं तो इसको जेम कंसिडर करूँगा। मैं तो लेटर बॉक्स पर, अगर आप मेरे को फॉलो नहीं करते तो कर लेना, मैंने तो लिखा भी आई इट्स अ जेम फ्रॉम इंडियन सिनेमा। ऐसी फिल्में जो मलयालम सिनेमा डाल रहा है वो एक जेम ही तो है, और क्या है। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कैप्चर किया गया हर एक सीन, एंड में आपको रोना ना आ जाए ना तो नाम बदल देना भाई तुम मेरा, टीयर्स विल कम आउट ऑफ फ्रॉम माय आईज। मतलब एक कैरेक्टर अनूप करके, उसका जो बिल्डअप दिखाया गया है, जो एंड दिखाया गया, दैट वाज सो 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 गुड, वाओ, मतलब मजा आ गया। मतलब मैं भी इस फिल्म को दूंगा 4 स्टार आउट ऑफ 5, 1 स्टार में काटूंगा, क्योंकि देखो 1 स्टार में इसलिए काटता हूँ क्योंकि देखो देने पे 5 स्टार दे दूंगा, मगर 1 स्टार इसलिए काटा कि बीच बीच में जैसा मैंने बोला ना, स्टोरी लाइक स्टार्टिंग में और बीच में थोड़ी सी हो जाती है, बट फिर जब पेस लेती है तो मज़ा ही दे देती है। 4 स्टार्स आउट ऑफ 5, बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही प्यारी फिल्म है ये दोनों। आई वुड रिकमेंड इट टू वॉच विथ योर फैमिली। दोनों हिंदी डब में ऑफिशियली अवेलेबल है, एक तो आपको हॉटस्टार पे मिल जाएगी और 2018 वाली मेरे को अभी मैं भूल गया कहाँ मिलती है, बट आई होप 2018 में आपको अमेजोन प्राइम या फिर हॉटस्टार पे ज़रूर डेफिनेटली मिल जाएगी। मलयालम सिनेमा बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, अब तो हिंदी डब में आ रही है, तो ब्रह्मयुगम फिर अभी मैं कवर करूँगा, उसका भी रिव्यू डालूंगा, तो चेक इट आउट। ठीक है गाइस, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द एक नए रिव्यू में। The way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, went on one hell of a kid, I am, smoking gas, jugging me, I'm lit, what you doing, I done did, I swear, slick talker since a jit, finesse, I know that this what they want, facts, run up some money.